आप सुन रहे हैं ENC सिने ओरिजिनल्स ऑडियो स्टोरी। हिंदी साहित्य की रहस्य रोमांच से भरी हमारी सीरीज खामोश आवाजें। आज की कहानी डेविल्स चाइल्ड, लेखक और सूत्रधार श्वेता, कहानी पढ़े हैं श्वेता और अखिलेश पांडे, ऑडियो रिकॉर्डिंग कला स्टूडियो, निर्देशक श्वेता, निर्माता राजश्री राय। शुरू हो रहा है ENC सिने ओरिजिनल्स ऑडियो स्टोरी प्रेजेंट्स डेविल्स चाइल्ड। साल 1963, पुराना चौक, लखनऊ। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। ऐसा ही कुछ वाकया घटा डॉक्टर रिद्धिमा के साथ। 9 मई की गर्मी से तपती शाम धीरे धीरे ओझल हो रही थी, लेकिन सूरज की गर्मी की तपिश और उमस का एहसास सूरज के ढलने के बाद भी साफ महसूस हो रहा था। पुराने चौक में सूरज ढलने के साथ ही साथ बाजार अपने पूरे रौनक पर है। कहीं रिक्शे वाले की घंटी की टन टन तो कहीं मगरिब की अजान साफ सुनाई दे रही थी। लोग ऑफिस से अपने घरों के लिए निकल गए थे तो कुछ लोग खाने पीने और कपड़े की दुकान पर खरीदारी में लगे हुए थे। पुराने लखनऊ की खासियत है कि आज भी वहाँ पूरे रौनक के साथ शाम खूबसूरत हो रही थी। कुछ लोग बड़े नवाबी स्टाइल में तांगों पर जा रहे थे। रास्ते में तांगे वालों की घोड़े की टाप और हुर हुर की आवाज साफ आ रही थी। हर जगह औरतों और मर्दों की भीड़ लगी हुई थी। कहीं कोई खातून कशीदाकारी सूट पहने हुए तो कहीं काले लिबास में बड़े सधे अंदाज में औरतें दुकानों पर मोल भाव करते दिख रही थी। तो वहीं नुक्कड़ पर सालों से बनी कबाब की दुकान पर भी खाने वालों का मजमा लगा हुआ था। हर कोई अपने में मस्त लखनऊ की रौनक को बढ़ा रहा था। तो वहीं कुछ ही दूरी पर भीड़ भाड़ वाले बाजार से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर स्त्री एवं प्रसूति विशेषज्ञ डॉक्टर रिद्धिमा का छोटा सा क्लिनिक था। कहने को तो क्लिनिक बहुत छोटा था, पर मरीजों का तांता हमेशा लगा रहता था। आज भी मरीज थे, लेकिन रोज से कहीं अधिक लंबी लाइन थी। सभी अपनी अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इंतजार करती महिलाओं के चेहरे पर गर्मी और थकान साफ दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, मरीजों की संख्या कम होती जा रही थी। मरीजों को देखते देखते डॉक्टर रिद्धिमा को रात के 10 बज गए। काम खत्म करके कंपाउंडर भी घर चला गया। आज डॉक्टर काफी थक गई थी और बाहर का मौसम भी खराब हो रहा था। काले बादलों ने भी आसमान में अपना डेरा डाल लिया था।
जिसकी वजह से वो जल्द से जल्द घर जाने के लिए अपना सामान समेटने लगी। वो निकलने वाली ही थी कि तेज बिजली की कड़क के साथ अचानक से मूसलाधार बारिश होने लगी। उन्होंने ड्राइवर को बुलाया और कहा, महेश थोड़ा बारिश थम जाए तब निकलेंगे। रिद्धिमा अपनी क्लिनिक में बैठी बैठी घर जाने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते काफी देर हो गई थी, लेकिन बारिश ऐसे हो रही थी मानो थमने का नाम ही नहीं ले रही। रिद्धिमा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, घर कैसे जाए। उन्होंने सोचा कि थोड़ा कॉफी पी लेती हूँ फिर निकलती हूँ, हो सकता है कि तब तक बारिश भी थोड़ी कम हो जाए। घड़ी की टिक टिक और खाली क्लिनिक में बारिश का शोर साफ सुनाई दे रहा था। डॉक्टर अपनी क्लिनिक में बैठे बैठे खिड़की से ही बाहर बारिश को देखने लगी। सुनसान सड़कें, मूसलाधार बारिश और रह रहकर आसमान से कड़कती बिजली धड़कनों को बढ़ाने के लिए काफी थी। अचानक उन्होंने वक्त देखा तो रात के तकरीबन 12 बज गए थे। उन्होंने सोचा, चलो आज क्यों ना यहीं पर आराम कर लिया जाए, और वो अपनी चेयर पर आंखें बंद करके बैठ गई। कुछ देर ही हुई थी कि तभी उनके दरवाजे पर अचानक से एक दस्तक हुई। डॉक्टर ने क्लिनिक का दरवाज़ा खोला तो देखती है कि एक आदमी सामने खड़ा है जो बेहद हैरान परेशान सा लग रहा था। तभी आदमी बोला, साहब जल्दी चलिए ना, हमारी पत्नी को बच्चा होने वाला है। उसने छोटा सा मटमैला सफ़ेद कुर्ता और ऊंचा सफ़ेद पायजामा पहन रखा था और उसके पैरों में काले रंग की पुरानी सी चमड़े की चप्पल थी। उसको देखकर लग रहा था कि वो कोई गरीब आदमी है और आसपास का ही रहने वाला है। डॉक्टर रिद्धिमा थोड़ी देर रुकी और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो बारिश हो रही है, ऐसे में मैं कैसे जा सकती हूँ। उस आदमी ने बोला, साहब आपको पता नहीं है, बारिश तो बंद हो गई है, आप जल्दी चलिए कहीं मेरी पत्नी की तबीयत और न बिगड़ जाए। डॉक्टर रिद्धिमा थोड़ी सी असमंजस में थी कि रात के 2 बज चुके हैं, कैसे एक अकेले आदमी के साथ जाऊं। डॉक्टर ने बोला, अगर तुम्हें कोई समस्या न हो तो तुम अपनी वाइफ को लेते आओ यहाँ पर। उस आदमी ने बोला, नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, अगर मैं उसे यहाँ ले आया तो उसकी जान भी जा सकती है और हमारे पास इतना वक्त नहीं है। डॉक्टर ने पूछा, कहाँ पर है तुम्हारा घर। उस आदमी ने बोला, साहब पास ही के गांव में है। डॉक्टर के पास उस वक्त कोई साधन नहीं था कि वो किसी को बुला सकती और उनका ड्राइवर भी सो चुका था, तो उन्होंने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। उस आदमी ने कहा, घबराइए मत, मेरे पास मेरी गाड़ी है। जब वो बाहर निकली तो देखकर हैरान रह गई कि गाड़ी नहीं बल्कि वहाँ एक तांगा खड़ा था। डॉक्टर ने बोला, इसमें मैं कैसे जाऊंगी। तो उस आदमी ने कहा, घबराइए मत डॉक्टर साहब, हम लोगों का तो रोज ही आना जाना होता है, मैं आपको संभाल कर ले जाऊंगा। डॉक्टर रिद्धिमा घबराई नहीं, सोचा कि इस वक्त किसी इंसान की जान बचाना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने बोला, चलो। वो आदमी उनको लेकर जाने लगा। अभी कुछ दूर ही वो लोग गए थे कि तांगा पक्के रास्ते को छोड़कर
एक कच्चे रास्ते की तरफ जाने लगा। धीरे धीरे उनका तांगा घने जंगलों से होकर गुजरने लगा। चारों ओर सुनसान घुप अंधेरा। झिंगुर और उल्लुओं की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। डॉक्टर को अब थोड़ा सा डर भी लगने लगा था। कहीं उन्होंने अकेले आकर गलती तो नहीं कर दी। यही सोचते सोचते जा रही थी कि अचानक घोड़े हिनहिनाने लगे और तांगा अपने आप रुक गया और वो आदमी अजीब सी आवाज में बोला, डॉक्टर साहब, आप ठीक तो हैं? फिर तांगा धीरे धीरे रफ्तार से बढ़ने लगा। डॉक्टर को उस आदमी की आवाज थोड़ी बदली बदली सी लगी। वो थोड़ा परेशान हुई, लेकिन उन्होंने सोचा, रात का वक्त है, शायद कहीं मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। थोड़ी देर में तांगा एक सुनसान सी जगह पर आकर रुका। वहां केवल एक टूटा फूटा सा पुराना घर था और आसपास दूर दूर तक कोई और घर नहीं दिखाई दे रहा था। वो उस आदमी के साथ अंदर गई। लालटेन की रोशनी में सब कुछ तो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन घर की हालत से साफ पता चल रहा था कि वहाँ कई दिनों से कोई साफ सफाई नहीं हुई थी। जगह जगह पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। घर का सामान भी टूटा फूटा था। घर की छत में कोने में छिपे चमगादड़ों का शोर साफ सुनाई दे रहा था। तभी एक कमरे में से एक औरत की कराहने की आवाज उन्हें साफ सुनाई दी। वो अंदर कमरे में गई तो उन्होंने वहां पर देखा कि वाकई में एक औरत प्रेग्नेंट थी, जो एक पुरानी सी चारपाई पर पड़ी कराह रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि उसकी डिलीवरी करीब आ गई है। वो वहां गई और उन्होंने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, घबराओ नहीं, मैं आ गई हूँ। उन्होंने औरत की डिलीवरी कराई और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ। थोड़ी देर बाद वो आदमी अंदर आया और बोला, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरी बीवी की जान बचा ली। अगर आप नहीं आते तो शायद इस दुनिया में मेरा बच्चा नहीं आ पाता। डॉक्टर खुश थे कि उन्होंने एक नन्ही सी जान को बचाया था। फिर उस आदमी ने कहा, चलिए साहब, मैं आपको डिस्पेंसरी पर छोड़ देता हूँ। डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी और जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों लोग तांगे पर बैठकर फिर उसी सुनसान रास्ते से वापस आने लगे। अभी आधा रास्ता ही बीता था कि अचानक से चमगादड़ों का एक झुंड आकर उनके आसपास मंडराने लगा। उस आदमी ने हल्की सी गर्दन घुमाई और हल्की सी गुर्र की आवाज लगाई। डॉक्टर ने देखा कि एक बार फिर उस आदमी के शरीर में अजीब से परिवर्तन होने लगे थे। उसकी आंखें लाल और आवाज भयानक सी थी। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। उनको लगा कि वो थकान और नींद से परेशान है, इसलिए उनके दिमाग में कुछ वहम सा हो रहा है। Oh,
थोड़ी देर बाद जब वो पहुंची अपनी क्लिनिक पर तो काफी घबराई हुई थी। अंदर से कुछ तो था जो उनको नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से उस आदमी के शरीर और आवाज में बदलाव हुए वो उनको परेशान कर रहा था। वो अपनी क्लिनिक में जैसे ही पहुंची उन्होंने राहत भरी लंबी सांस ली। तभी दरवाजे पर खड़े उस आदमी ने बोला, रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? उन्होंने पूछा, क्या हुआ? अब तो तुम्हारा बच्चा भी हो गया और तुम्हारी बीवी भी ठीक है। उसने बोला, साहेब, आपने मेरी बीवी और बच्चे दोनों को बचाया है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। डॉक्टर थोड़ी परेशान थी उस व्यक्ति से और कहीं न कहीं डरी भी हुई थी। एक ऐसा डर जो उनको नहीं समझ में आ रहा था कि उसको कैसे कहें। उसने कहा, साहेब, मेरे पास कुछ है आपको देने के लिए। तो डॉक्टर ने कहा, क्या है? उसने बोला, मेरे पास कुछ कोयला है, क्या मैं यहाँ रख दूँ? बड़े अनमने मन से डॉक्टर ने कहा, ठीक है, यहीं किनारे रख दो। डॉक्टर ने क्लिनिक में साइड में ही उसको कोयले की छोटी सी बोरी रखने को कह दिया। कोयला रखकर वो व्यक्ति चला गया। डॉक्टर अंदर गई और उन्होंने एक लंबी सुकून भरी सांस ली और आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। सोते सोते काफी वक्त बीत गया और अब सवेरा भी हो चुका था। डॉक्टर उठी और उन्होंने सोचा कि कल जिस आदमी ने कोयले की बोरी दी थी, क्यों न मैं इसे बाहर ही रख दूं? है तो वो कोयले की बोरी ही। पर जब डॉक्टर ने उस बोरी को खोल कर देखा तो वो अचंभित रह गई। उस व्यक्ति ने जो रात में कोयले से भरी बोरी रखी थी वो अब सुबह सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। एक अजीब से डर ने डॉक्टर के शरीर में सिहरन पैदा कर दी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो व्यक्ति कौन था। रात में उन्होंने जिस औरत की डिलीवरी कराई थी वो कौन थी और वो बच्चा किसका था? आप सुन रहे थे ENC सिने ओरिजिनल्स ऑडियो स्टोरी प्रेजेंट्स खामोश आवाजें। आज की कहानी थी डेविल्स चाइल्ड। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल ENC सिने ओरिजिनल्स। नई कहानियों के अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।